नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरुकारी हेडलाइन्स। चितवन में गाड़ी के ठोकर से एक गोटे के मृत्यु, धमसा में स्कूल बस दुर्घटना, नौ गोटे छात्र छात्रा घायल। विवाह पंचमी के अंतिम दिन राम कलेवा समारोह संपन्न, अयोध्या से आयल बरियाती के उपहार और दक्षिणा दक विदाई कल। विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर धाम में सामूहिक विवाह, मणिमंडप में 35 जोड़ी के सामूहिक विवाह कल। सप्तरिक राजविराज में बालिका अपहरण भेल, कहित परिवारजन सब प्रदर्शन आ तोड़फोड़, तीन गोटे पकड़ा। आ नेपाल आयल निगम से पेट्रोलियम पदार्थ के मोल बढ़ाओल गए, पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल में 2-2 रुपया बढ़ल। आप समाचार विस्तार से। चितवन के भरतपुर महानगर पालिका 29 खहरे पुल समीप सवारी के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु बिहार में बर्दिया मगर नाडी 5K 33 बरखक संत राम थारू रहल, पुलिस जनौलक। आ भिनसर थारू के नंबर नहीं खुजल, सवारी साधन ठक्कर देने छल, ठक्कर से घायल भेल थारू के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक। धनसा में स्कूल के बस दुर्घटना भेला से 9 विद्यार्थी घायल भेल। आज धनसा गणेश मान सारनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में रहल नवशांति विद्या आश्रम इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के ना 1K 92 नंबर के बस अनियंत्रित भकर दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में बस के चालक सहित 9 गोटे विद्यार्थी घायल भेल। घायल में से 14 बरखक सरोज यादव, 5 बरखक राजकुमार मुखिया, 7 बरखक मुकेश मुखिया, 11 बरखक रोहित यादव, 9 बरखक शुभ मंडल, आमोद कुमार यादव, रविशंकर यादव, नेहा कुमार यादव आ अमन कुमारी यादव रहल। ओकरा सबक धनसाक विभिन्न अस्पताल में इलाज भ रहल। दुर्घटना में सामान्य घायल बस चालक के स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद हिरासत में राखल गेल, इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर जनौलक। श्री राम जानकी विवाह पंचमी महामहोत्सव सम्पन्न भ गेल। महामहोत्सव के अंतिम दिन राम कलेवा विधि कला संगे अई बरखक विवाह पंचमी सम्पन्न भेल। जानकी मंदिर परिसर में आई भेल भंडारा में भारतक अयोध्या से बरियाती के रूप में आयल साधु संत के पकवान किया कर राम कलेवा मनाओल गेल। महोत्सव के अंतिम दिन राम कलेवा में जानकी मंदिर में विशेष भोजन के आयोजन करबाक परंपरा आई। भोजन पश्चात साधु संत के दक्षिणा द क विधिवत विदा करबाक परंपरा है। मिथिला परंपरा अनुसार चदरि कम्बल आ दक्षिणा प्रदान करैत विदा कयल जाइत अछि। विवाह पंचमी में विवाह भेल जोड़ी सब के जानकी मंदिर के प्रांगण में रहकर ओ सब एक दोसर पक्ष के गारि दैत मजाक करबाक परंपरा समेत रहल अछि। अयोध्या से आयल साधु संत जनकपुर धाम में भेल सेवा सत्कार से अपना सब हर्षित भेल धारणा रखे। सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत राम कलेवा संगे विवाह पंचमी महामहोत्सव सम्पन्न होते है। इससे पहले काल राम आ सीता के विवाह तेना स्वयंवर सम्पन्न भेल छल। त्रेतायुग में मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन सीता आ राम के विवाह भेल याद में राम आ सीता के प्रतीक के विवाह कयल गेल। जनकपुर धाम के विवाह के लिए उत्तम स्थल रूप में चिन्हाब, विवाह पंचमी के अवसर पर 35 जोड़ी के सामूहिक विवाह कयल गेल। त्रेतायुग में भगवान राम आ सीता के विवाह भेल वास्तविक स्थल मानल गेल जनकपुर धामक मणिमंडप में। आई 21-25 जोड़ी युवा युवती के स्वयंवर आ विवाह सम्पन्न भेल। श्री सीताराम विवाह मणिमंडप विकास समिति के आयोजना आ विश्व हिंदू परिषदक सहकार में भेल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक मंच में 35 जोड़ी के स्वयंवर कयल गेल। ओहि क्रम में वैवाहिक कार्यक्रम में सामूहिक रूप में दुल्हा सबके चुमाओल गेल छल। दुल्हा सब भगवान राम आ माता सीता के विवाह के अवसर पर सामूहिक रूप में अपना सबक विवाह होबय लागल प्रति खुशी व्यक्त केने छले। विवाह के मतलब छै कि ये हमरा नजर में मतलब अपना सबके विवाह होइ छै जे एक कोई के मतलब एगो गांव में जाने छै, है ना। सामूहिक विवाह सबके सब कोई जाने छै, मतलब पूरा नेपाल देख रहल छै, है ना। अइ वजह से की होइ छै कि सब एक कोई के मात्रे भ रहल छै ना। आइ जे सब कोई सामूह के तौर पर होइ छै, है ना, ओइ वजह से बहुत निमन लगे छे, देखू में बहुत खुशी लगे छे। सामूहिक विवाह में म यहाँ जनकपुर में आएको छु, अहिले हल्का यसो रमाइलो पनि भइरा छ, यसो केही पनि भइरा छ, रमाइलो जस्तो पनि भइरा छ।
त्यही भएर अब त्यही यस्तै रमाइलो अब समय गयौँ त्यस्तै हो। प्रदेश दुसरकार आ बेहतर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद लगायत सरकारी निकाय के सेहो सहयोग रहल सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम में विवाह करवाला हरेक जोड़ी के उपहार स्वरूप करीब 1,00,000 बराबर के वैवाहिक उपहार सामग्री सब सेहो प्रदान कयल गेल छल। स्वयंवर सबके एकहि ठाम भेलो पर वैवाहिक विधि आ पूजा पाठ होवला मंडप आ वेदी अलग अलग बनाओल गेल छ। अपन अपन परंपरा आ रीति रिवाज अनुसार ओकरा सबक विवाह भेल छ। विवाह से पहिने वर सब सवार रथ यात्रा निकालल गेल छल। जनकपुर धाम के विवाह करवला पवित्र आ उत्तम स्थल के रूप में प्रचार प्रसार करबाक आ ऐतिहासिक मणिमंडप के सेहो विकास करबाक लेल एहन कार्यक्रम कयल गेल छ। एहिसँ पहिने 50 जोड़ी के सामूहिक विवाह करबाक कहल गेलो पर 35 जोड़ी मात्र उपस्थित भेल छल। श्री राम जानक विवाह महामहोत्सव के क्रम में चोरी तथा पाकेटबारी में संलग्न 61 गोटे पकड़ायल छ। धनसा जिला प्रहरी कार्यालय आ विज्ञप्ति जारी कर विवाह पंचमी के भीड़भाड़ में चोरी आ पाकेटबारी में शरीक रहल कहित 41 गोटे पुरुष आ 20 महिला पकड़ने जनौलक अछि। पकड़ायल में भारतीय नागरिक 28 पुरुष आ 19 महिला रहल अछि, तेना नेपाल के 13 पुरुष आ 1 महिला रहल अछि। सुरक्षा योजना अनुसार सादा कपड़ा में परिचालन कयल गेल प्रहरी सब ओकरा सबके पकड़ने छल। पकड़ायल सब संगसँ चोरी कयल गेल नेपाली तथा भारतीय रुपया सेहो बरामद कयल गेल अछि। अगहन 13 गते 8 गोटे, अगहन 14 गते 11 गोटे आ विवाह पंचमी के दिन 42 गोटे पकड़ायल छल। ओकरा सबके ऊपर अनुसंधान भऽ रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद ओकराक निर्वाचन में सरकार स्थानीय प्रशासन लगाकर धांधली करे देवा के आरोप। कांग्रेस के जनमत भेल क्षेत्र में बम फोड़ लगाओल गेल दावी। सप्तरी के राजविराज में बचिया भरण भेल कहित परिवारजन सब प्रदर्शन आ तोड़फोड़, 3 गोटे पकड़ायल। नेपाल आय निगम सँ पेट्रोलियम पदार्थ के मोल बढ़ाओल गेल, पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल में 2-2 रुपया बढ़ल। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा पोखराक निर्वाचन में सरकार स्थानीय प्रशासन लगाकर धांधली के आरोप लगौलने। आई सानेपा में कांग्रेस नेता स्वर्गीय भीम बहादुर तमांग के साथम स्मृति सभा में सरकार धांधली के आरोप लगौलने। पोखराक निर्वाचन में स्थानीय प्रशासन निष्पक्ष काज नहीं कने आरोप लगबैत सभापति देवा प्रशासन के पोखरा में सरकार कांग्रेस विरुद्ध प्रयोग कने से आरोप लगौलन। कांग्रेस के मत भेल क्षेत्र में बम फोड़ लगाकर जनता के त्रास में रहकर निर्वाचन में धांधली कने सभापति देवा बतौलन। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल जनता सरकार प्रति असंतुष्ट रहलो पर कांग्रेस के छान नहि सकल कहित समीक्षा कयल जेबाक बतौलने। कांग्रेस इतिहास जेब के मात्र नहि हेबाक कहित जनता के भविष्य के केहन नेपाल देबाक सोच परबाक समय आयल बतौलन। आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिँदैन।
यो कुरा लाग्यो र हामीले भविष्यको लागि जनतालाई के दिन सक्छौ कस्तो नेपाल दिन सक्छौ कस्तो लोकतन्त्र दिन सक्छौ कस्तो नेपाली समाजको आचरण र व्यवहार कस्तो हामी नेपालमा गर्ने स्थापित गर्न चाहन्छौ त्यो एउटा भविष्यको सपना देखाउन सक्ने त्यो आवश्यकता अहिले चाहिँ सबैमा महसुस भएको छ भविष्यको लागि के गर्छ एकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पोटेल जनता सरकारप्रति असन्तुष्ट रहलो पर कङ्ग्रेसके छाना नै सकल कहित समीक्षा कयल जेबाक चाहे बतौलन् कङ्ग्रेस इतिहास जेबका मात्र नै हेबाक कहित जनताके भविष्य केहन नेपाल देबाक सोचबाक समय आयल हुनक कहब छलन् कार्यक्रममे बाजवला आओर नेतासब निर्वाचन परिणामके गम्भीर तरिकासँ समीक्षा कयल जेबाक चाहे बतौलन् कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा उपनिर्वाचनके परिणामसँ सरकारप्रति जनताके असन्तुष्टि बढल पुष्टि कयलनि पुष्टि भेल बतौलने छ अघन 14 गते भेल उपनिर्वाचनके अन्तिम परिणामके बाद कङ्ग्रेसके ने पत्रकार सम्मेलनमे प्रवक्ता शर्मा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढित गेल पुष्टि उपनिर्वाचनके ने बतौलन् ओ कङ्ग्रेस उपनिर्वाचनमे मत परिणामसँ बेसी निर्वाचनके प्रक्रियाके ध्यान देलासँ निष्पक्ष आ भयरहित वातावरणमे निर्वाचन भेल बतौलन् ओ सरकार निर्वाचनके भयरहित आ निष्पक्ष बनाबसँ नीक निर्वाचन आयोगके आचार संहिताके उल्लङ्घन कऽ कऽ प्रदेश प्रमुख सबके पदके खाली करबाक आ नया नियुक्ति करबाक तथा मंत्रिमंडल के पुनर्गठन करय केन्द्रित भेल सेहो आरोप लगलन एहन अवस्था में कांग्रेस के स्थानीय तह गुमोलो पर उपत्यकाक भक्तपुर आ धरान उपमहानगरपालिका लगायत के महत्वपूर्ण स्थान में जीत हासिल केने बतौलने छ अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश को बैतडी को वडा या प्रदेश पांच को अर्घाखाँची को वडा या प्रदेश तीन को चितवन को भरतपुर को वडा या प्रदेश एक को धरान को उपमहानगरपालिका या उपत्यका को भक्तपुर को प्रदेश क्षेत्र यी प्राप्त परिणामहरूले नेपाली कांग्रेसलाई विशेष रूपले उत्साही बनाएको छ र यसले सँगैमा दूरगामी अर्थ राख्ने सन्देश पनि ती ठाउँहरूबाट सम्प्रेषण गरेको हाम्रो मूल्याङ्कन छ त्यसैले अब उपरान्त यो उपनिर्वाचनभन्दा अघि र उपनिर्वाचनभन्दा पछि कसैले नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर सोध्यो भने मिडियाको साथीहरू मार्फत पनि हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि कमरेड प्रचण्डको वडामा गएर काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर सोधे हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने कमरेड केपी ओलीजीकै चाहिँ घर भएको भक्तपुर जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेस छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने यो बेलामा हामी तत्कालीन सभामुख निर्वाचित भएकै निर्वाचन क्षेत्र जहाँ सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीको पनि क्षेत्र पर्छ त्यहाँको वडावासीको भोगाईमा भन्न चाहन्छु ओ मतदाता दुर्गामी अर्थ रखैत सन्देश दिन कहित नेपाली कङ्ग्रेस हरेक मतप्रति प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी निजामती सेवा ऐनमे विचार नै पहुँचला पर आबके 18 वर्ष बाद कर्मचारीके पेन्सन देव सेहो विदेशी अनुदान मागल जेबाक अवस्था आएबाक बतौलने छ आइ संघीय संसदके राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमे मन्त्री त्रिपाठी कर्मचारीक समायोजनमे देखल गेल त्रुटिके सेहो सुधारल जेबाक बतौलने छ ओ कर्मचारीके मूल्याङ्कन कयला पर महालेखा परीक्षकके कार्यालयके प्रतिवेदनमे लिखल विषयके सेहो देख सकबाक व्यवस्था कयल जेबाक बतौलने छ ओ काज करयवला व्यक्ति आ नै करयवलाके सम्मान व्यवहार नै कर सकबाक कहित सकारात्मक विभेद करैत विधेयक आनल जेबाक सेहो बतौलने छ तहिना विधेयकमे व्यक्तिके दण्डित कर सरुवा करबाक पद्धतिसँ आयोजना वा संस्था दण्डित हेबाक अवस्था आबि रहल कहित अहिके कम कर सेहो विधेयकमे समेटल जेबाक बतौलनि अनि गर्नेले चाहिँ किन गर्नु पर्यो नगर्ने पनि त ठिकै छ नि मुस्किल भइ नै रहेछ उसको पनि दिन जीवन चलि नै रहेछ राम्रैसँग चलिरहेछ म जस्तै चलिरहेछ भनेर सोच्दाखेरि गर्नेहरू निराश हुने अवस्थाहरू आइरहेछन् त्यो पनि हामीले यो विधेयक बनाउ मैले भन्न खोज्दा के हो हामी एउटा 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 इकाइको रूपमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ म एउटा एक्जिक्युटिभको प्रतिनिधि भएको हुनाले पनि संसदमा रहेका साथीहरूसँग या त्यो समितिका साथीहरूसँग मेरो आग्रह के भने त्यो अनुसारले के बुझिदिनु पऱ्यो भने हामी यस्ता विधेयक बनाउँदैछौँ जसले गर्ने र नगर्नेको बिचमा अलिकति विभेद होस् गर्नेले अलिकति पुरस्कृत हुन सक्ने वातावरण बनोस् गर्ने वातावरण पनि बनोस् अर्को प्रश्नहरू पनि के छ भने कतिपय हामी आउटसोर्सिङहरूको चाहिँ ठाउँहरू राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता कतिपय पदहरू यस्ता छन् कतिपय सिटहरू यस्ता छन् जो कि पछि बोझ हुँदैन मेरो आकलन के भने 18 वर्ष आजको डेटमा लेख्नु होला 18 वर्षपछि हामीले निवृत्ति भरण पुरा गर्नको लागि पनि
विदेशी अनुदान लिनुपर्ने अवस्था आउँदैछ। आजको 18 वर्षपछि डाटाले त्यो गएर हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढिरहेछ, सङ्ख्याहरू बढ्दै गइरहेछ, सञ्चालनको स्थिति यही हो। त्यस कारण त्यो पेन्सन दिनलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो गर्न आउनुपर्छ। परामर्शमा मन्त्री त्रिपाठी विधेयकमा सीमित ऐसा पहिने जुटाउने सहमतिमा संसद आ सर्वोच्च अदालत आदेशके ख्याल गरेर स्वीकार गर्बाक छ बतौलन्। मन्त्री त्रिपाठी कर्मचारीको उमेर हद कहियो 58 त कहियो 60 बनाओल गेलासँग विधेयक बेरबेर संशोधन भेल कहित संसदको प्रभावकारिता उप प्रश्न उठ नै देव परामर्श आवश्यक रहल सेहो बतौलन्। विवादित बनल नेपाल भारत सीमाके विषयमा परामर्श गर कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर परराष्ट्रविद सब सुझाव देलकै छ। काठमाडौँमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान केने परामर्श कार्यक्रममा परराष्ट्रविद सब सीमा विवाद हटाव चरणबद्ध रूपमा कूटनैतिक तवरमे वार्ता गर सुझाव देलकै छ। परामर्शमे परराष्ट्र मामिलाक प्राध्यापक डाक्टर खड्क केसी आ पूर्व सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य एखन वार्ता करबाको उपयुक्त समय भेलासँग नेपालमै सचिव स्तरमा वार्ता सुरु गर्न प्रयास कयल जेबाक बतौलनि। डाक्टर केसी विवाद मिलावा कूटनैतिक प्रणाली निक विकल्प भेल बतौलनि। वार्ताके निष्कर्ष देव मन्त्री स्तरीय आ प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता सेहो आवश्यक पड़ सकबा कहित डाक्टर केसी परराष्ट्र मन्त्रालयके सचिव स्तरीय वार्ता सुरु गर्न आग्रह कयलनि। तहिना पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य राजनीतिक स्तरमा संवादको शुरूआत उच्च स्तरमा कयल गेलो पर औपचारिक रूपमा वार्ताको शुरूआत सचिव स्तरमा गर आग्रह कयने छलन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल आ भारत बीच देखल गेल विभिन्न क्षेत्रको सीमा विवादको विषयमा स्थानीय जनता आ जनप्रतिनिधि सहित विज्ञ सबसँग परामर्श कयल गेलै छ। सप्तरीके राजविराजमे बचिया अपहरण भेल कहित परिवारजन प्रदर्शन आ तोड़फोड़ कयलकै छ। राजविराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 16 वर्षक गौरी साहके अपहरण भेल कहित आइ परिवारजन प्रदर्शन आ तोड़फोड़ कयलकै छ। ओसब तोड़फोड़मे उतरलाके बाद प्रहरी 3 गोटेके पकड़लकै छ। पकड़ायलमे बचियाके भैया गोपाल शाह स्थानीय जय शाह आ राहुल रजक रहलै छ। ओसब राजविराज वार्ड नम्बर 7 स्थित ओम साई बाबा यातायातके बुकिंग काउंटरमे तोड़फोड़ कयने छल। स्थानीय बचिया गौरी बीतल सही दिन सभी पत्ता है। परिवारजन ओम साई बाबा यातायात के बुकिंग काउंटर में कार्यरत विकास कर्ण सहित 3 गोटे गौरी के अपहरण के दावे कलक अही विषय पर बचिया के परिवार जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी में निवेदन समेत देने मुदा 3 दिन बीत लगलो पर आरोपी सबके पकड़ प्रहरी विलम्ब केने कहित आक्रोशित परिवारजन प्रदर्शन में उतरल छल। ओसब किशोरी अपहरण कर बाला के अविलम्ब ओसब किशोरी अपहरण करयवलाके अविलम्ब पकड़ माग समेत कयलक अछि। प्रहरी अपहरणसँ सेहो ई विषय प्रेम प्रसंग सँग जुड़ल प्रारम्भिक अनुसन्धानके क्रममे खोजल जनौलक अछि। किशोरी भागवला लड़का कर्णके खोजी काज तीव्र बनाओल गेल सेहो पुलिस जनौलक अछि। विवाह सम्बन्धी नया कानून अनुसार 20 वर्ष पूरा नहि भेला धरि वैधानिक रूपमे विवाह गर्न नै पेबाक व्यवस्था अछि। धनसामे एक ट्राफिक 100 घुस सहित पकड़ा गेलै। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका स्थित सखुबा महेन्द्रनगरसँ ट्राफिक प्रहरी 100 नवीन कुमार झा घुस सहित पकड़ा गेलै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगके बर्दिवास टोली झाके आइ पकड़लक अछि। टिपर चालक सङ्गे 1,000 रुपया घुस लऽ रहल अवस्थामे अख्तियारके बर्दिवासके टोली झाके नियन्त्रणमे लेलक अछि। पत्थर तथा गिट्टी ढुवानीमे सहज कऽ देबाक कहैत 100 झा टिपर चालक सङ्ग रुपैआ लैत काल पकड़ा गेल अछि। बेर बेर पैसा मंगलाके बाद टिपर चालक झा विरुद्ध अख्तियारके कार्यालयमे निवेदन देने छल। ओहि निवेदनके आधारमे अख्तियारके टोली अनुगमन कयलापर ओ घुस सहित पकड़ा गेल अछि। नेपाल आयल निगम डीजल पेट्रोल आ मट्टी तेलमे मोल बढ़ौलक अछि। नेपाल आयल निगमके प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतके अनुसार रातिमे 12 बजेसँ कार्यान्वयन होबयका 2-2 रुपैआ मूल्य वृद्धि कयल गेल अछि। इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँ 1 दिसम्बर 2019 प्राप्त नया खरीद मूल्यमे किछु बढ़िकऽ अयलासँ मूल्य वृद्धि कयल गेल निगम जनौलक अछि। मूल्य बढ़लासँगे आब काठमाडौँमे प्रति लिटर 109 डीजल तथा मट्टी तेलके मोल प्रति लिटर 97 रुपैआ प्रति लिटर पहुँचल अछि। निगम स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन कयने जनौलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारत के तमिलनाडु प्रदेश में भारी वर्षा के कारण 4 घर टूटला से 17 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। कोइम्बाटोर के नादूर गांव में बाढ़ से घर टूटल छल। मृत्यु भेनिहार में 7 वर्षक 2 बालक सेहो रहल जनाओल गेल अछि। किछु दिन एम्हर भारत के 6 जिला में भारी वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग व्यक्ति सबके सुरक्षित रह सूचना दऽ रहल अछि। चेन्नई, चेंगलपत्तू, तिरुभल्लपुर, कडालोर लगायत जिल्लामे विद्यालय बन्द कयल गेल अछि।
अन्त भेटलाइन्स एकबेर फेरसँग चितवनमे गाडीके ठक्करसँ एक गोटेके मृत्यु धनसामे स्कुल बस दुर्घटना 9 गोटे छात्र छात्रा घायल बापन समिति अंतिम दिन राम कलेवा समारोह सम्पन्न अयोध्या सायल बरियाती के उपहार आ दक्षिणा दक विदाय कयल गेल विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर धाम में सामूहिक विवाह मणिमंडप में 35 जोड़ी के सामूहिक विवाह कयल गेल सप्तरी के राजविराज में बचिया अपहरण भेल कहित परिवारजन सब प्रदर्शन आ तोड़फोड़ 3 गोटे पकड़ायल आ नेपाल आयल निगम से पेट्रोलियम पदार्थ के मोल बढ़ाओल गेल पेट्रोल डीजल आ मटीतल में 2-2 रुपया बढ़ोतरी अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब नमस्कार।